देश भर में धूमधाम से आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार। मुस्लिम समाज के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है बकरीद को लेकर देश में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने की 10 तारीख को बकरीद का त्योहार मनाए जाने की है परंपरा। सुबह से ही देश भर के मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए उमड़ी है लोगों की भीड़। मुंबई में धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एक मटन शॉप के मालिक के खिलाफ बकरे पर राम का नाम लिखने का है आरोप। तस्वीरें सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कराया केस दर्ज। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुकान मालिक के साथ एक कर्मचारी सहित 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मामला। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मटन शॉप को कर दिया है सील। उत्तरी कश्मीर के बंदीपुरा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। इलाके में 2 आतंकियों के छुपे होने की मिली थी खबर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बंदीपुरा के अरगम इलाके में देर रात शुरू हुई थी मुठभेड़। ड्रोन के जरिए इलाके में आतंकी के शव का पता चला। ढेर आतंकी के हाथ में देखी गई है M4 राइफल। जम्मू क्षेत्र में आतंक की एक के बाद एक 4 घटनाएं होने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज लेंगे जम्मू में सुरक्षा की स्थिति का जायजा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM को लेकर एक बार फिर से खड़ा हो गया है विवाद। मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ दर्ज किया है मामला। मामला दर्ज होने के बाद फिर सवालों के घेरे में आ गई है EVM की विश्वसनीयता। इस पर विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग और सरकार पर साधा है निशाना। साथ ही EVM के मुद्दे पर टेस्ला के मालिक एलन मस्क और पूर्व केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर आ गए हैं आमने सामने। इस मुद्दे को बढ़ता देख भारतीय चुनाव आयोग मुंबई मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का किया है ऐलान। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट को लेकर जारी विवाद में पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल भी कूदे। सिब्बल ने की अनियमितताओं के आरोपों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारियों के कराने की मांग। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि वह परीक्षा आयोजित करने के तौर तरीकों को लेकर सभी राज्यों के साथ करे गहन विचार विमर्श।